It's me Garima and welcome back to my channel that is Garima's Creative Hub. Guys, I hope you all are doing great and enjoying the winter season. So, guys, आज का video है बहुत ही ज़्यादा special video क्योंकि आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ Lord Ganesh की एक बहुत ही beautiful ball art. जिसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है बट मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करी है सो so पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से देखना और ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा है बिकॉज इसको हम देंगे ट्रेडिशनल इंडियन टच बाय पेस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिरर्स ऑन इट एंड यूजिंग वार्म कलर टोन्स सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इस ब्यूटिफुल वॉल आर्ट को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस ब्यूटीफुल गणेशा पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक वुडन बोर्ड जिसका साइज है 13 इंचेस बाय 18 इंचेस आई नो इट इज प्रीटी बिग अब हमें लेना है इस बोर्ड का सेंटर क्योंकि मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक स्क्वायर दैट इज अबाउट 15 इंचेस बाय 15 इंचेस जो इस बोर्ड के सेंटर में होगा और बॉर्डर मैंने लिया है अबाउट 3.5 सेंटीमीटर वर्टिकली और अब इस स्क्वेयर में भी हमें बनाना है एक और स्क्वेयर तो जल्दी से मैं इन चारों साइड्स का सेंटर पॉइंट लेके एक अंदर और ऑलरेडी कर लेती हूँ तो गाइस चलो अब इन लाइंस को भी एक्सटेंड करके बॉर्डर को भी कंप्लीट कर लेते हैं चारों तरफ जो अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विथ का है सो so गाइज यहाँ पे बनाना है हमें लाइंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सा पैटर्न सो so उसके लिए सबसे पहले ये ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर लाइन और इसके दोनों साइड्स पे दो लाइंस और ड्रॉ करूंगी मैं अबाउट 1.5 सेंटीमीटर दूर और उसके बाद अबाउट वन सेंटीमीटर दूर सो so कुछ इसी सेम तरीके से लाइंस का ये पैटर्न हमें ड्रॉ करना है दोनों साइड्स पे ऊपर भी और नीचे भी और कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी गाइज नाउ कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू मेक द गणेशिया स्केच इन देंटर ऑफ द स्क्वेयर गाइज आप चाहें तो किसी और टाइप का स्केच भी बना सकते हैं जो आपको इजी हो बनाने के लिए बट जो मैं बना रही हूँ ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है इजी है यू कैन मेक दिस सेम एज वेल सो आर स्केच इज ऑलमोस्ट रेडी एंड इट इज लुकिंग सो डिवाइन सो ना आफ्टर कम्प्लीटिंग द गणेशा स्केच अब ये हमारे चारों जो बाहर की साइड पे ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे भी जल्दी से वन सेंटीमीटर का बॉर्डर हम ड्रॉ कर लेते हैं Guys, trust me, this painting will look really amazing when it is all done. एंड नाव गाइज़ बिफोर वी मूव फॉवर्ड अब हमें रेडी करना है पी ओ पी का एक पेस्ट इस पेंटिंग के लिए सो फॉर देट मैं ले रही हूँ अबाउट हाफ कप ऑफ पी ओ पी और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ फेविकॉल गाइज मेक श्योर पानी नहीं फेविकॉल राइट right? सो so अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको लगता है पी ओ पी इसमें और ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं बट मेक श्योर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए ये बट प्लीज़ गाइज़ पानी बिल बिल्कुल भीमर डालना सिर्फ फेविकॉल डालनी है अगर आपको लगता है तो यू कैन ऐड मोर फेविकॉल और मोर पी बट डू नॉट ऐड वाटर टू इट और मेक श्योर sure कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स भी ना हो सो so, अभी हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इट इज़ ऑलरेडी इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है तो अब जल्दी से इसे रेडीमेड कोन में फिल कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं अपना ये पेस्ट सो नाउ आर कोन इज ऑलरेडी और इसको ऊपर से कट करके इन सारी लाइन्स को ट्रेस करना शुरू करते हैं बेसिकली हमें सारे डिजाइन को हाईलाइट करना है इस पी के मिक्सचर से सो so, जल्दी से इसको करना शुरू करते हैं और गाइस मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस को बहुत ही आराम से करें गाइस अब गणेशा को ट्रेस करने से पहले मैं इस कोन को ऊपर से कट कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे थोड़ी थिक लाइन्स आए गाइस इट इज़ वेरी सिंपल इट इज़ वेरी इजी बस हमें ये प्रोसेस थोड़ा आराम से करना है सो so दैट हम जो ट्रेसिंग कर रहे हैं इस कोन से ये ज़्यादा क्लीन और अच्छी आए तो अब जल्दी से अंदर के स्क्वायर में भी सेंटीमीटर का मैं बॉर्डर ड्रॉ कर लेती हूं चारों तरफ एंड guys, नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोसेस दैट इज टू add द कलर टू दिस masterpiece. For फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस येलो ओखर कलर और इसको मैं पेंट करने वाली हूँ इस स्क्वेयर के सेंटर में जिसपे हमने लॉर्ड गणेशा का स्केच बनाया है गाइज ऑफकोर्स आई नो वी विल हैव टू अप्लाई एटलीस्ट टू कोट्स ऑफ दिस पेंट सो दैट ब्रश मार्क्स हमारे सेकेंड कोट में हाइड हो जाएं Oh my god this color is looking so bright and vibrant and now i am taking maroon color to paint the other areas of this painting sabse pehle main paint kar leti hu ye charo triangles aur is pe bhi hame at least do coat to apply karne hi padenge so that we get the good finish of the color और कुछ इस पैटर्न में मैंने कलर को अप्लाई कर लिया है with two coats of paint. अब मैं ले रही हूँ ये व्हाइट एक्रेलिक कलर और इससे हमें फिल करना है ये बॉर्डर जो सेंटर में हमने बनाया है सो गाइज मेक श्योर कि जब हम इस बॉर्डर में पेंट कर रहे हैं ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आए वरना हमारे लॉर्ड गणेशा का जो स्क्वायर है वो थोड़ा खराब हो जाएगा या अनटाइडली लगेगा सो प्लीज डू इट रियली आराम से और बहुत ही नीटली हमें इसको फिनिश करना है और इसी वाइट कलर से हम हाईलाइट करेंगे लॉर्ड गणेशा को भी सो आफ्टर हाईलाइटिंग कुछ इस तरीके से लगेगी हमारी ये पूरी पेंटिंग जब रेडी होगी एंड नाउ मूविंग ऑन एम मैं ले रही हूँ बहुत ही डिफरेंट साइज के और शेप्स के मिरर्स टू पेस्ट ऑन दिस पेंटिंग इनको पेस्ट करने के बाद ये आर्ट बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी गाइज नो आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस ओ माई गॉड आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोसेस एंड द होल आउटकम इज ऑल्सो कमिंग सो ब्यूटिफुल गाइज बॉर्डर पे गणेशा में हर जगह में ये डिफरेंट साइज और शेप्स के मिरर्स को मैं पेस्ट कर लूंगी और गाइज आप चाहे ना आप किसी और शेप के किसी और साइज के मिरर्स यूज कर सकते हैं इट इज़ टोटली अप टू यू वट एवर यू फील लाइक और मार्केट में भी इनकी बहुत ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है सो ऑफकोर्स गो फॉर इट वट एवर यू लाइक तो चलो अब जल्दी से चारों ट्राइंगल्स में भी कुछ इस पैटर्न में मैं, मैं मिरर्स को पेस्ट कर लेती हूँ गाइज प्लीज टू कॉमेंट मी डाउन बिलो कि आपको इस पेंटिंग के बनाने का प्रोसेस कैसा लग रहा है और आप ब्लैक कलर से लॉर्ड गणेशा की आई को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं ओ माय गॉड गाइस, दिस इज लुकिंग सो डिवाइन एंड ब्यूटीफुल। और अब एक डॉट टूल की हेल्प से हम कुछ और डिटेलिंग ऐड करेंगे लॉर्ड गणेशा में विद व्हाइट एक्रेलिक कलर गाइस आप देख सकते हैं जस्ट बाय एडिंग दी सिंपल डॉट्स लॉर्ड गणेशा में कितनी ज्यादा डिटेलिंग एड हो गई है और इसी सेम तरीके से कुछ और डिटेलिंग हम ऐड करेंगे इन चारों ट्रायंगल्स में भी इन मिरर्स के आसपास जस्ट बाय डॉट टूल एंड थ्री डी लाइनर आई नो लिटिल बिट द रिजल्ट इज सुपर्ब आई एम जस्ट लविंग दिस पेंटिंग वाउ गाइज दिस आउटकम इज लुकिंग सो स्टिंग आई एम इन लव इसमें ये कलर्स ये कितने ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है जब भी मैं इसे देखती हूँ so you know, so so आप प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर अपने व्यूज शेयर करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी अपने लिए ऐसी ब्यूटिफुल वॉल आर्ट बना पाए और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय टेक केयर